ऊंचे मनोबल से कोरोना जैसी घातक बीमारी को भी हराया जा सकता है। ये बात हिसार की बेटी पर्वतारोही शिवांगी पाठक पर भी सटीक बैठती है। शिवांगी माउंट लोत्से की चढ़ाई के दौरान कोरोना संक्रमित हो गई। उनका ऑक्सीजन लेवल काफी कम रह गया, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर वो 10 दिन में ही स्वस्थ हो गई और अब उन्होंने फिर से इस चोटी की चढ़ाई शुरू कर दी है। आइए आपको बताते हैं पूरा किस्सा, शिवांगी कैसे कोरोना संक्रमित हुई और कैसे सिर्फ 10 दिन में ठीक होकर उन्होंने वापस चढ़ाई शुरू कर दी। दरअसल 9 अप्रैल को शिवांगी ने माउंट लोत्से की चढ़ाई शुरू की। 15 अप्रैल को वो बेस कैंप के नीचे स्थित कैंप लोबुचे पहुंची, लेकिन शिवांगी की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें तेज बुखार था, साथ ही खाना भी नहीं पच रहा था। इसकी जानकारी शिवांगी ने अपनी माँ को दी। फिर भी किसी तरह शिवांगी 5,364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेस कैंप पहुंची, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ऑक्सीजन लेवल भी गिरकर 18 तक जा पहुंचा, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू करके काठमांडू के एक अस्पताल पहुंचाया गया। शिवांगी के फेफड़ों में पानी भर चुका था। कोरोना टेस्ट होने पर उन्हें पॉजिटिव पाया गया, लेकिन कोरोना भी उनके मजबूत इरादों को निगेटिव नहीं कर पाया। 19 अप्रैल को शिवांगी को अस्पताल लाया गया। 20 अप्रैल को उन्हें होटल में आइसोलेट किया गया। शिवांगी ने यहां स्वच्छ भोजन, योग और सकारात्मक सोच के सहारे कोरोना को शिकस्त देने का मिशन शुरू किया। अपने माता पिता के समझाने के बावजूद वो घर आने को तैयार नहीं हुई और होटल में ही खुद को ठीक करने की कोशिशें शुरू की। शिवानी की हिम्मत और उनके हौसले ने कोरोना को मात दे दी और 29 अप्रैल तक वो बिल्कुल ठीक हो गईं। फिर से जांच में पता चला कि उनके फेफड़ों का इन्फेक्शन खत्म हो गया और कोरोना रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई। इसके बाद एजेंसी 8 के एक्सपीडिशन और पायोनियर के सदस्य लापता दाई, पिंबा दाई, निवेश भाई ने शिवांगी को हिम्मत दी और कहा कि तुम ठीक हो, हम तुम्हें फिर से माउंट लोत्से को फतह करवाने के लिए लेकर जाएंगे। और ऐसी बातें ही शिवांगी के लिए संजीवनी साबित हुई। शिवांगी अब फिर से 8 मई को बेस कैंप पहुंच चुकी हैं और अब वो कैंप 2 के लिए निकल चुकी हैं। उन्होंने कहा, शिवांगी 25 मई तक माउंट लोत्से, जो कि विश्व की चौथी सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर पहुंच जाएंगी। इस चोटी की ऊंचाई 8,516 मीटर है और शिवांगी यहां पहुंचकर शान से भारत का तिरंगा भी फहराएंगी। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।